प्रदेश में गत 2 वर्षों में कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है, जबकि प्रदेश में 586 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत किए गए हैं। बजट घोषणा 2019-20 के तहत पशु चिकित्सालय निम्बार्क तीर्थ सलीमाबाद जिला अजमेर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमबद्ध किया गया है। खंड 2, वर्तमान में प्रदेश के 602 पशु चिकित्सालयों के राजकीय भवन नहीं हैं। राजकीय भवनविहीन पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए विभाग के नाम भू स्वामित्व के पट्टे उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन निर्माण का कार्य कराया जाता है। खंड 3, गत 2 वर्षों में विधानसभा क्षेत्र शिवाना की ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलिया, नाकोड़ा, चाडों की ढाणी एवं लोहड़ी में नवीन पशु चिकित्सा केंद्र खोले गए हैं। वर्तमान में उक्त चारों पशु चिकित्सा केंद्रों में पशुधन सहायक एवं जलदारी के पद रिक्त हैं। विधानसभा क्षेत्र शिवाना की 32 ग्राम पंचायतों में विभाग की कोई पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध नहीं है। पशु चिकित्सा संस्थाएँ आवश्यकता में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती है। खंड 4, जी हाँ, बजट घोषणा 2020-21 अनुसार प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू की जानी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो भवन वहीन जो पशु चिकित्सालय हैं उनमें कब तक भवनों का निर्माण करवाने के लिए कोशिश की जाएगी, फर्स्ट। सेकेंड, जिन 32 पंचायतों में अभी नहीं खोले गए हैं उनमें शीघ्र इस साल में खोले जाएंगे या समय लगेगा। एक मेरा निवेदन था कि अभी जो नवीन 4 पंचायतों में आपने खोला इसके लिए तो धन्यवाद है, पर पशुधन सहायक और जलदारी यहाँ जल्दी लग जाए तो थोड़ा इलाज पशुओं का आराम से हो सके। एक और निवेदन अध्यक्ष महोदय था कि मेरे वहाँ बाड़मेर और जैसलमेर ज़िले में ऊँट पशु ज़्यादा होने की वजह से मोबाइल टीम द्वारा उनका इलाज के लिए टीम बनाकर सही तरीके से किया जाए और उनको जो अनुदान मिलता था वो ऊँटड़ी जो बच्चे को जन्म देती थी तो वो वापिस चालू हो जाए तो लोग इनको पालेंगे, नहीं तो ये बेकार हो जाए। तो अपना कोई यही नहीं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये बात सही है कि मैंने जैसे उत्तर में बताया है कि इनके 4 उपकेंद्र खोले थे, चारों में पद खाली है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च से पहले पहले ये चारों पद भर दिए जाएंगे। दूसरा, इन्होंने ऊँट की बात की है, आप मुझे लिख के दे दें जहाँ जहाँ आप कैंप लगाना चाहे वहाँ मैं शीघ्र ही आपके क्षेत्र में कैंप लगवा दूंगा। एक जानकारी मैं और दूंगा आपको कि आपके यहाँ एक थापना उपकेंद्र है उसका 12 लाख रुपये का काम चल रहा है। दूसरा, आपके समदड़ी में 35 लाख रुपये के लिए हमने कार्य योजना बना के भेज दी वित्त विभाग में, समदड़ी में उसमें जैसे ही बजट की स्वीकृति मिलेगी वो भी आपके चालू करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न, अगले वर्ष में आपको 400 नए उपकेंद्र खोल रहे हैं, आप लिख के देना जो प्राथमिकता होगी उन्हें खोले जाएंगे। अगला प्रश्न, रामलाल जाट, प्रश्न संख्या 5785। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1, सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति